भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश विरोधी ताकतों को नीचा दिखाते हुए जो बयान दिया है उस पर हल्की टिप्पणी कर कांग्रेस के नेता सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर छोटे से बड़ा नेता अनुराग ठाकुर के बयान पर ऐसे ज्ञान बांट रहा है मानो कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा अहिंसा का पुजारी इस देश में मौजूद ही ना हो। केंद्रीय मंत्री ठाकुर अनुराग सिंह ने दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान जो देश विरोधी तत्वों को ललकारते हुए एक जो बयान दिया है हाल ही में, उसके ऊपर कांग्रेस के लोग बहुत हो हल्ला कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग जो हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर के बयान के ऊपर ओछी राजनीति करते हुए सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं एवं घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को ये बतलाना चाहता हूं कि ठाकुर अनुराग सिंह जी ने तो देश के गद्दारों को ललकारा था, फिर ये भय का माहौल कांग्रेस के लोगों में क्यों उत्पन्न हो रहा है, इस बात का जवाब उन्हें देश की जनता को, प्रदेश की जनता को देना चाहिए। मैं कांग्रेस के लोगों को एक और आईना भी दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ठाकुर अनुराग सिंह के बयान के ऊपर कांग्रेस के लोग ऐसे बयान दे के ये जतलाने का प्रयास कर रहे हैं मानो कांग्रेस से, पार्टी से बड़ा अहिंसा का पुजारी इस देश में कोई नहीं है, तो वे कांग्रेस की भी पार्टी है। जब जब वह सत्ता में आती है तब तब देश में नरसंहार हुआ है, देश के लाखों करोड़ों बेगुनाह निर्दोष देशवासियों को एवं देश के वीर सैनिकों को अपने प्राणों की आहुतियां देने पड़ी हैं, तब इन कांग्रेस के लोगों के होंठ क्यों सिल जाते हैं, इस बात का जवाब भी कांग्रेस के लोगों को, जनता को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।